आज नागपुर के कई कारोबारियों में हड़कंप मच गया जब बहुत सुबह सवेरे जो है मुंबई से करीब 150 आईटी विभाग के अधिकारियों की टीम नागपुर पहुंची और अलग अलग कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए। हम यहाँ मौजूद है वर्धमान नगर इलाके में और यहीं कई जो व्यापारी है, बड़े कारोबारी, जिसे सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि हवाला कारोबार से जुड़े हुए, चाहे वो डब्बा कारोबार से जुड़े हुए, ऐसे रवि अग्रवाल हो गए, शैलेश लखोटिया हो गया, जैन है और इसराइल सेठ, ऐसे तमाम कई जगह नाम सामने आ रहे हैं। 7 जगह पर करीब करीब इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। ये पूरा मामला जो है सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2016 में हुए डब्बा कारोबार से संबंधित था। डब्बा कारोबार जो है अपने आप में बहुत संजीदा मामला है। ये न सिर्फ शेयर मार्केट को प्रभावित करता है बल्कि सामान्य जनों से जुड़े हुए जो विषय है, चाहे वो अनाज हो, तेल हो, किराना, इन सब पर जो है काला बाजारी और हवा में जो है ट्रेडिंग करने का ये बहुत बड़ा कारोबार था और बहुत बड़ा नेक्सस ज़रूर था। हज़ारों करोड़ के घरों में जो है ये पूरा मामला आता है और इसी के तह में जो है आईटी विभाग ने अब जो है कई जगह छापे मारे। हम साफ तौर पर देख सकते हैं आईटी विभाग के 150 अधिकारियों का अचानक नागपुर आना और उसे नागपुर की जो टीम को इस बाबत कोई भी सूचना ना होना अपने आप में एक बेहद बड़ी कार्यवाही ज़रूर है। और अगर इस पूरे मामले पर खुलासा होता है तो ज़रूर जो जनता के पूरी तरह से दोषी है, गरीब तबके के लोगों के जो दोषी है, अनाज, किराना और तेल, जो जीवनावश्यक वस्तुओं का जो काला बाजार होता है उस पर अगर पर्दा खुलता है तो ये कार्रवाई अपने आप में वाकई बहुत बड़ी प्रशंसा के योग्य ज़रूर होगी। कैमरा सुन पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।